Hey guys, this is Mahi and welcome to my YouTube channel You Are At Mahi's. और गाइज मैं आज आपको सिखाऊंगा कि 2x2 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज पिछले वीडियोस में मैंने आपको 3x3 रूबिक्स क्यूब सिखाया था, तो उसमें तीन लेयर्स होती थी और हम उसको एक एक करके सॉल्व करते थे। लेकिन गाइज जो ये 2x2 रूबिक्स क्यूब है, ये उससे ईजी होता है क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही लेयर होती है और इसमें एल्गोरिथम्स भी बहुत कम होती है, तो आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको 2x2 रूबिक्स क्यूब का बेसिक बता देता हूँ। तो गाइज इसमें भी सिक्स कलर्स होते हैं, जो कि है व्हाइट जिसके ऑपोजिट में होता है येलो, ऑरेंज जिसके ऑपोजिट में होता है रेड, ब्लू जिसके ऑपोजिट में होता है ग्रीन। तो गाइज जितने भी आप ऐसे क्यूब सॉल्व करेंगे तो उसमें यूजुअली छह ही कलर होते हैं, तो आपको ये जो कलर स्कीम है वो हमेशा याद रखनी है कि कौन सा कलर किसके ऑपोजिट में होता है और ये जो छह कलर्स हैं कैसे रहते हैं। तो गाइज आते हैं इसके पीसेस पे। तो गाइज जब हम 2x2 रूबिक्स क्यूब की बात करें तो इसमें एज पीसेस और सेंटर पीसेस नहीं होते, इसमें सिर्फ कॉर्नर पीसेस होते हैं और सिर्फ कॉर्नर पीसेस से ये पूरा रूबिक्स क्यूब बना हुआ है। और गाइज इसमें दो लेयर्स होती हैं, तो अगर आप उनको हॉरिजॉन्टली मूव करेंगे तो उसके अलग नोटेशंस होते हैं, और अगर उसको आप वर्टिकली यूज करेंगे तो उसके अलग नोटेशंस होते हैं। तो गाइज अगर आप उसको हॉरिजॉन्टली यूज करेंगे तो ये हो जाती है आपकी टॉप लेयर और ये हो जाती है आपकी बॉटम लेयर। तो गाइज टॉप लेयर को हम नोटेशंस देते हैं टी और बॉटम लेयर को हम नोटेशन देते हैं बी। और गाइज ऐसे ही अगर हम इसको वर्टिकली रोटेट करें तो ये वाली हो जाती है लेफ्ट और ये वाली हो जाती है राइट। तो गाइज लेफ्ट वाली को हम नोटेशन देते हैं एल और राइट वाली को हम नोटेशन देते हैं आर। तो गाइज इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने 3x3 को सॉल्व किया था। तो गाइज हम इसमें सबसे पहले तो इसकी एक लेयर को बनाएंगे और उसके बाद हम सेकंड लेयर को बनाएंगे और उसके बाद हमारा ये पूरा रूबिक्स क्यूब सॉल्व हो जाएगा। तो गाइज ये तो है आपका रूबिक्स क्यूब जो कि सॉल्व है, और ये अनसॉल्व कैसा दिखेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज सबसे पहले तो हम इसको बिगाड़ देते हैं। तो गाइज ये है अनसॉल्व रूबिक्स क्यूब जो कुछ ऐसा दिखेगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।